कटनी शहर में बढ़ती गर्मी और पानी बस की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा खाली मटका और खाली बाल्टी ले जाकर नगर निगम में प्रदर्शन किया और उग्र जनता ने नगर निगम कमिश्नर और महापौर के कक्ष के समक्ष मटका फोड़कर जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कांग्रेस पार्षदों ने खाली बाल्टी और खाली मटका करे पुकार, पानी दो के नारे लगाकर आयुक्त और महापौर कक्ष के समक्ष धरना दिया और प्रत्येक वार्ड में एक एक पानी का टैंकर देकर पानी की आपूर्ति करने और पाइपलाइन तोड़कर जल संकट पैदा करने वाले दोषी ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। आक्रोशित कांग्रेस पार्षदों ने विगत कई दिनों से शहर में पानी की किल्लत और निगम प्रशासन की आक्रमणीयता को लेकर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। PBC के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। टूट गई है और यह प्राकृतिक आपदा है, इससे निपटने के लिए हम सभी ट्रैक्टर, जो कि ट्रैक्टरों की कमी थी, ट्रैक्टर भी हमने 24 मंगाए, टैंकर भी मंगाए 24, और सभी वार्डों में लगातार जहां बहुत ज़्यादा समस्या है वहां पर भेजे जा रहे हैं, सप्लाई की जा रही है और 100 ट्यूबवेल भी कराए जा रहे हैं, जो कि हर वार्डों में जहां समस्या है दो दो ट्यूबवेल भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।